हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस फ्रेंड्स में। एंड अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से आधार कार्ड का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके खिलाफ जो UIDAI जो कि वो संस्था है इसको मैनेज करती है आधार कार्ड से संबंधित सारी चीज़ों को, उसने कहा है कि आप जो भी है आधार कार्ड का फोटो कॉपी वो किसी को शेयर मत करिए, सिर्फ उन्हीं को शेयर करना है जिसको UIDAI ने, ठीक है, अथॉरिटी दी है। और उसके अलावा मास्क आधार को भी देखेंगे कि मास्क आधार क्या होता है, उसका क्या उपयोग होता है। तो चाहे आप एस्पिरेंट हो या ना हो, एक आम आदमी के लिए आम जीवन में भी इसके बहुत ही सहूलियत की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जानकारी से रखिए। तो देखिए, UIDAI ने लोगों को चेतावनी दी है, उसने कहा है कि जो भी आप आधार कार्ड देते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी होटल में गए तो वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि जो होटल का रिसेप्शनिस्ट होता है वो आपसे आधार कार्ड मांगता है, और कभी कभी वो क्या करते हैं, मोस्टली ये होता है कि आधार कार्ड की फोटो कॉपी निकाल के अपने पास रख लेते हैं दिखाने के लिए कि हाँ ये रूम बुक था और इनके नाम से बुक था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो अथॉरिटी होती है यानी कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो भी होटलों में चेकिंग करता है और पूछता है कि कौन कौन यहाँ पे रुक चुका है और किस किस डेट में, ठीक है। तो गलती उनकी भी नहीं है, उनको भी ज़रूरत पड़ती है ये सब चीज़ें दिखाने के लिए। लेकिन अब क्या किया गया है, देखा गया कि बहुत सारा मिसयूज हो रहा था। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को सिम कार्ड लेना हो तो वही फोटो कॉपी दिखा के भी लोग गलत तरीके से सिम कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से अब बचना है, और आप कभी भी देने से आधार कार्ड का फोटो कॉपी देने से बचिएगा। एंड उसके अलावा कहा जा रहा है कि जो भी आधार कलेक्ट हो रहे हैं वो प्राइवेट संस्थान आपका आधार कलेक्ट नहीं कर सकेंगे आज के बाद, ओके। और मास्क आधार क्या होता है, अब ये आप शेयर कर सकते हैं। इसमें देखिए मास्क आधार में ये देखिए जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं वही बस दिखाई देते हैं, आगे के जो डिजिट होते हैं वो नहीं दिखते हैं। इसके अलावा आपका फोटो बाकी सब चीज़ें वैसे ही दिखती हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि UIDAI ने आधार के फोटो कॉपी के बजाय मास्क आधार इस्तेमाल करने की सलाह दी है, और ये मास्क आधार आपको मिलेगा कहाँ पे? ध्यान रखिएगा कि ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आधिकारिक UIDAI का जो वेबसाइट है जहाँ से आधार के सारे काज होते हैं, वहाँ पे आप जाके इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है, myaadhar.uidai.gov.in। ओके, तो यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ अंतिम के 4 अंक दिखेंगे और आप इसको शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। इसके अलावा कैफ़े वालों को भी सलाह दिया गया है, जो भी लोग कैफ़े में जाके आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी निकलवाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, वहाँ भी अभी आप ध्यान रखना है अब आपको कि जो आप उसके कंप्यूटर में, या तो आजकल क्या होता है कि लोग व्हाट्सएप से भेज देते हैं और बोलते हैं फ़ोटो कॉपी निकाल दो, या फिर कोई मेल कर देता है वहाँ पर भी बोलता है फ़ोटो कॉपी निकाल दो। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये भी आप सुनिश्चित कर लें उस कैफे से निकलने से पहले कि वो आपका जो आधार कार्ड है वो अपने कंप्यूटर से अस्थायी रूप से हटा दे, ओके। और तो ध्यान रखिएगा कंप्यूटर में जो भी होता है डिलीट का बटन, उससे सिर्फ डिलीट नहीं होता, वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है और फिर वहाँ से भी डिलीट करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप कभी भी अगर कंप्यूटर में भेज रहे हैं किसी चीज़ें तो उसको डिलीट करवा के ही वहाँ से निकलें। उसके अलावा कोशिश करिए कि आप आधार कार्ड लेके ही जाएं और उसका फोटो कॉपी करें निकलवाएं, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आपके आम आदमी के आम जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इसको, एंड मास्क जो आधार है आप उसको निकालने की कोशिश करिए सभी लोग। OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और उसके माध्यम से इसको डाउनलोड किया जा सकेगा, ओके। थैंक यू।